for subtitles, please click here on your screen. चल छैया 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 चल छैया 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 ज्यादा रिंग अच्छा करता है उसमें. सुखविंदर का बड़ा कंट्रीब्यूशन, सुखविंदर की आवाज का बड़ा कंट्रीब्यूशन. गुलपोश कभी तेराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं. लेकिन वो एनर्जी जो रहमान के जहन में थी वो उस गाने में आई और उस गाने में जो एनर्जी थी वो लोगों तक पहुंची. सूफियाना गाने ऐसे नहीं कि उससे पहले थे नहीं, लेकिन सूफियाना एक दौर की तरह से जो पैदा हुआ वो रहमान के यहाँ हुआ. रहमान एलए में बैठा हुआ है और मणिरत्नम वो दारुल सलाम में थे और मैं मुंबई में था और हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे. Tracking milestones of an incredible journey spanning 30 years. Rehman Music Sheets. '98, Dil Se by Mani Ratnam won 2 national awards and 8 Filmfare awards. Dil Se brought Gulzar and Rehman together for the first time. All the 6 songs were written by Gulzar, including the legendary Chaiya Chaiya. For this song, Gulzar won Filmfare Award for Lyrics. Sukhvinder Singh as Best Male Singer, Farah Khan for Choreography, and Hold Your Breath, based on votes from 155 countries, BBC World Service rated Chaiya Chaiya amongst top 10 songs of all time. वो गाना एक फोक सॉन्ग है पंजाब का, उसकी तर्ज थोड़ी सी अलग भी है लेकिन कुछ मिलती हुई उससे. वो है बुल्ले शाह का गाना, बोड़ तबीबा मैंडी जिंद गई या तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया कर थैया थैया. वो गुरु उनके नाराज थे, उनके उस्ताद उनके जो पीर थे उनसे नाराज थे, तो उनसे बातचीत बंद कर दी थी. तो वो जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे तो उस मस्जिद के बाहर खड़े हो गए. जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो बुल्ले शाह ने गाना शुरू कर दिया था कि ऐ चारागर ऐ तबीब मेरे ऐ डॉक्टर जल्दी पहुँच कि मेरी जान जा रही है. बौड़ तबीबा मैं नीचे दे गई या तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, मैं तेरे इश्क में थैया थैया करके नाच रहा हूँ. तब वो सिचुएशन पर तो ये बोल नहीं आते थे तो, लेकिन वो सही थैया थैया की साउंड बड़ी मज़ेदार थी, उसे रिप्लेस करना था. थैया थैया ता थैया ये सारे बोल डांस के हैं जो इस गाने में सिचुएशन नहीं थी ऐसी. तो मैंने उसे छैया किया. छैया भी बड़ा पुराना लफ्ज़ है, लोगों को अलग सुन के थोड़ी सी हैरत हुई. वरना बांसुरी बाज रही कदम की छैया हमारे फोक सॉन्ग में कब से चला आ रहा है, कृष्ण कदम की छैया में बांसुरी बजाते हैं. तो छैया लफ्ज़ कोई नया नहीं था, छैया से मकसद छाँव का था. तो वो उस और मुझे उसकी साउंड ज़्यादा अच्छी लगी, थैया से ज़्यादा अच्छी लगी म्यूज़िक में. जिस तरह से ट्यून थी धुन थी तो मुझे लगा छैया छैया ज़्यादा रिंग अच्छा करता है. तो तब वो बनाया जिनके सर हो इश्क की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी चल छैया छैया. उसमें सुखविंदर का बड़ा कंट्रीब्यूशन, सुखविंदर की आवाज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उसकी आवाज़ में एक पैशन है, एक एनर्जी है जो रहमान ने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया. सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जनत चले चल छैया छैया, पाँव जनत चले चल छैया, चल
सर, जब वो गाना तैयार हो गया और आपने उसे सुना पूरे ऑर्केस्ट्राइजेशन के साथ, तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन पसंद होने का, अच्छा लगने का और सही लगने का, और जोशीला था एंड इट वॉज फुल ऑफ एनर्जी, तो बहुत अच्छा लगा था। अब ये हिट होगा और इस तरह से हिट होगा तो थोड़ी पता होता है, लेकिन वो एनर्जी जो रहमान के जहन में थी वो उस गाने में आई, और उस गाने में जो एनर्जी थी वो लोगों तक पहुँची। सर, इस गाने की एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने में उस साउंड का कितना बड़ा हाथ है जिसको हम रहमान की साउंड कहते हैं, क्या उस साउंड को डिफाइन किया जा सकता है? एक तो ये कि जो मेरा ख्याल है उसकी वजह है वो जहाँ से पला है, जहाँ पे जिस इलाके में पला है, वो साउंड्स जो फोक की साउंड्स हैं जो सुनाई देती हैं, जो साउथ के आप कभी भी सुनिए, लोकगीत सुनिए तो वो सुनाई देती हैं अक्सर, और ऊपर से वेस्टर्न सीखा हुआ था, तो वेस्टर्न को जिस वक्त वो अपनी साउंड्स के साथ मैच करता है तो वो हिंदुस्तानी लगता, वो वेस्टर्न नहीं लगता। लेकिन वही मैं कहूँ कि तार शहनाई कह लो या ढोलक कह लो या पखावज कह लो, जिस वक्त उसके यहाँ सुनाई देती है तो उसकी साउंड अलग है बनिस्बत दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, अगर आप देखिए उनके काम के साथ, तो वो साउंड जो उसके कानों को जिस तरह से सुनाई देती है वो उसकी इंडिविजुअल है, वो उसकी अपनी इनफरादी एक चुनाव है। तो आप एक, क्योंकि उसका अगर फार्मूला होता तो सबकी साउंड फिर एक जैसी हो सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल पर्सनल है उसकी कि उसको साउंड कैसी लग रही है। वो वही वायलिन है, उसके यहाँ कुछ और सुनाई देती है, कई बार तो इंस्ट्रूमेंट पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सा साज बज रहा है। तो ये खूबी है, ये एक अलग खूबी है। वही मजीरा बजाते हैं गीत में, बजाते हैं वो भी बजा लेता है, हमें मजीरा लगा ही नहीं कभी उसके यहाँ। छैया छैया, जैसा आपने बताया कि बुले शाह के गीत से इंस्पायर्ड है, एक सूफी रंग है उसमें, और रहमान साहब का भी अपना एक स्पिरिचुअल बिलीफ है, तो उनका ये बिलीफ उनके संगीत पर क्या रंग डालता है? उनके स्पिरिचुअल बिलीफ है उसमें, और अपना इज वेरी स्पिरिचुअल मैन, वेरी रिलीजियस मैन, फेथ वाला आदमी है, मतलब विश्वास वाला आदमी है। जैसे एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो रास्ते में दरगाह पड़ती है तो जब तक वो उतर के सजदा नहीं करेगा वो आगे नहीं जाता, वो सजदा करके जाता है। वहाँ से बम्बई आता है तो सीधा हाजी अली पहुँचा होता है, या अजमेर शरीफ चले गए, बीच में इस तरह की तन्हाई महसूस हुई, जी चाह कि थोड़ा सा अपने आप में कंसनट्रेट करने के लिए जी चाह रहा है, बिखरा हुआ महसूस होता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल इंसान है, उसके अंदर है, वो रूहानियत है, इसलिए अजमेर शरीफ चले गए। दो तीन दिन ज़रा एक सब्र की ज़रूरत है मुझे, बिखराव इंतशार पैदा हो रहा है तो मैं अपने आप को समेट लूँ, अपने आप को बिखराव कम कर लूँ। तो दैट्स रहमान। सर, क्या मिस्टर रहमान का स्पिरिचुअल बिलीफ एक वजह है कि उनके जो सूफी गाने हैं वो बहुत ही अलग सुनाई देते हैं? जैसे आप ही की फिल्म लें फिजा, जिसमें वैसे तो म्यूज़िक अनु मलिक साहब का था, लेकिन सिर्फ एक गाना पिया हाजी अली मिस्टर रहमान ने कंपोज किया था। नहीं, मैं ये कहूँगा इसलिए एक के दो कंपोजर हैं, वरना ये कि अनु मलिक का जो म्यूज़िक था वो बहुत सुरीला था, ऐसा तो नहीं है कि उसके मुकाबले में वो सुरीला लग नहीं रहा, या अनु के गाने भी बड़े अच्छे चले थे। हर म्यूज़िक डायरेक्टर का अपना एक अंदाज़ है। अब वो एक मेरा ख्याल है वो खालिद साहब की दोस्ती थी, इसलिए उन्हें वो एक हमद है सूफियाना जो वो डालना चाहते थे उसमें, तो अन्नू से उन्होंने पूछ लिया, इजाज़त ले ली और
रहमान से मांग लिया। लेकिन रहमान के हाँ मैं बल्कि यही बात कहना चाहता था कि जब रहमान के साथ काम करते हुए इसके अलावा के शक्ल और ढांचा और फॉर्म गाने की बदली, उसके अलावा मौजू बदला कंटेंट में, सूफियाना गाने ऐसे नहीं कि उससे पहले थे नहीं, लेकिन सूफियाना एक दौर की तरह से जो पैदा हुआ वो रहमान के यहाँ हुआ। आज हालांकि उसमें गलत फहमी भी है, आजकल किसी भी गाने को सूफियाना बोल देते, वो सिर्फ मौला लगा देने से सॉफ्ट सूफियाना नहीं हो जाता। तो लेकिन वो जो कंटेंट और उसका जो मवाद है, जो ख्याल है, तखय्युल है उसका, वो सूफियाना उसके यहाँ एक दौर की तरह से आया और वो करता है, बड़ा खूबसूरत करता है। उसके अंदर है वो इल्हाम की इल्हामी आवाज़, इल्हामी अंदाज है रहमान के अंदर, इसलिए है वो कोई पहना हुआ, ऊपर से पहना हुआ नहीं है, उसके अंदर की आवाज़। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी और दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन सा लगता है, लेकिन मिस्टर रहमान के मामले में नहीं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आज रहमान एलए में बैठा हुआ है और मणिरत्नम वो दारुल सलाम में थे और मैं मुंबई में था और हम गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मतलब आज वो टेक्निकली कि आप प्लेबैक भी दूसरे मुल्क से, दूसरी जगह से आप बैठे हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अचंभा मैं इसमें, मेरे लिए जब मेरे सामने यहाँ तक पहुँचा, उससे पहले बाकी दौर जो बदलते रहे वो तो देखे, लेकिन यहाँ तक आके देखने के बाद वो आदमी, वो जो मैजिक है, उसका नाम है यार रहमान। वो जो जादू की तरह अलिफ लैला की कहानी लगती है अगर बाहर से आप देखें तो, अलिफ लैला समझते हैं, थाउजेंड एंड वन नाइट्स की कहानी लगती है अगर कहीं बाहर से देखें तो। लेकिन उस शख्स को किसी तरह की झिझक नहीं, बंदिश नहीं, खौफ नहीं, ज़रा भी ये तनाव नहीं होता, आराम से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, या वो लगता है कि वो हिस्सा है उस टेक्नोलॉजी का। दिल का साया हम साया सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई नूर है तू क्यों दूर है तू, जब पास है तू एहसास है तू, कोई ख्वाब है या परछाई है, सतरंगी रे। टेक्नोलॉजी सेपरेट्स रहमान एंड गुलजार बाय मोर देन फोर डेकेड्स एंड इट कनेक्ट्स देम टू। इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, हाउ रहमान जेंटली गाइडेड गुलजार इनटू द फास्ट ट्रैक वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, and making of Jai Ho, the song that won him and A.R. Rahman Oscars and Grammys. In our next episode, Gulzar continues. Stay with us. Mujhe maut ki god mein sone de, mujhe maut ki god mein sone de. Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.